नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम पढ़ रहे थे हेटेरोथेलिज्म। अब हम बात करेंगे जीनेटिक डिटरमिनेंट ऑफ हेटेरोथेलिज्म, मतलब आनुवांशिक रूप से हेटेरोथेलिज्म को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पॉइंट डाल लीजिएगा, जीनेटिक डिटरमिनेंट ऑफ हेटेरोथेलिज्म। ठीक है, जेनेटिक डिटरमिनेंट ऑफ हेटेरोथेलिज्म, हेटेरोथेलिज्म का जेनेटिक डिटरमिनेंट कैसे करेंगे। तो देखो, जो हेटेरोथेलिज्म है, हमें पता है कि दो थेलस, डिफरेंट टाइप के थेलस, अगर उनकी मेटिंग कराए तो जहाँ पर वो मिलते हैं उस जगह पर जायगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो हेटेरोथेलिज्म में ये दो कारणों से हो सकती है। ठीक है, हेटेरोथेलिज्म जो होती है वो दो कारणों से हो सकती है। तो एक कारण तो ये है कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन है सेम थेलस पर, वो ना बने। ठीक है, मतलब कि लेक ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन ऑन सेम थेलस, एक ही थेलस पर मेल और फीमेल ऑर्गन नहीं होंगे, इससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम पता लगा सकते हैं इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी के द्वारा, इनकम्पेटिबिलिटी के द्वारा। इनकम्पेटिबिलिटी किसके अंदर? सेक्स ऑर्गन के बीच में, बिटवीन बिटवीन द सेक्स ऑर्गन। ठीक है, बिटवीन द सेक्स ऑर्गन फॉर्म्ड ऑन सेम थैलस, तो एक ही थैलस पर बनेंगे वो दोनों इनकम्पेटेबल होंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब दो कंडीशन जो है वो जेनेटिकली कंट्रोल करती है हेटेरोथेलिज्म को। देखो, पहले तो ये चीज समझ में आ गई ना हमें, क्या कि अगर दो थैलस है, दो डिफरेंट टाइप के थैलस है, दोबारा फिर से एक बार, ये एक थैलस और ये दूसरा थेलस। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जायगोस्पोर तैयार हो गया। ठीक है, अब ये जो जायगोस्पोर तैयार हुआ है यहाँ पर, ये तो हो गया जायगोस्पोर। ठीक है, ये तो क्या बन गया? जायगोस्पोर बन गया। अब देखो, ये एक थेलस है, इसके ऊपर ये जो सेम थेलस होगा, मतलब एक ही थेलस के ऊपर या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है, और इसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, इस तरह समझेंगे अपन। ठीक है, तो दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही थैलस के ऊपर नहीं आएंगे, यहाँ पर ग्रो नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर? दोनों के बीच में इनकम्पेटिबिलिटी होगी। जब इससे नया बनेगा, नया स्पोर, इस ये जो जाएगो स्पोर है, जाएगो स्पोर से नया थैलस बन गया, ये इस तरीके से नया थैलस बन गया। ठीक है, तो सभी में हमें पता है कि दो दो यहाँ पर केंद्रक हैं, दोनों केंद्रक। ठीक, अब देखो ये क्या हम करेंगे कि अगर ये दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, आपस में क्या नहीं होते हैं? फ्यूज, तो यहाँ या तो मेल वाला ही बनेगा। ठीक है, एक को हम मेल मान रहे हैं, एक को फीमेल मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन फीमेल वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एक ही थैलस के ऊपर, ये जायगोस्पोर है। ठीक है, इस जायगोस्पोर से बनने वाला ये थैलस है, और इस थैलस पर या तो मेल जो है सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन ये बनती है, ये तो नंबर एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इस थैलस से, ये थैलस है सेम आपका, थैलस को फिर से ऐसे बना देते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर हो गई है कैरियोगेमी, यहाँ पर क्या हो गया है? कैरियोगेमी हो गई। ठीक है, ये कैरियोगेमी हो गई। ठीक,
सेल में भी क्या होगी, कैरियो गेम में होगी। ठीक है, अब इसी थैलस पर यहाँ पर एक जो है सेक्स ऑर्गन बन गया है मेल, और एक सेक्स ऑर्गन बन गया है फीमेल। ठीक है, एक तो क्या बन गया है मेल और एक बन गया है फीमेल, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनकम्पेटेबल होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे, इनकम्पेटेबल होंगे, मतलब ये दोनों आपस में कंपेटिशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनकम्पेटेबिलिटी बिटवीन द सेक्स ऑर्गन फॉर्मड ऑन द सेम थैलस, इस तरह से अगर स्ट्रक्चर होती है तो उसे हम आसानी से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब दो कंडीशन होती है जो जीनेटिकली कंट्रोल होती है दो फैक्टर के द्वारा। एक फैक्टर को हम बोलते हैं सेक्सुअल और दूसरे को बोलते हैं इनकम्पेटेबल फैक्टर। एक को तो कौन सा फैक्टर बोलते हैं, सेक्सुअल फैक्टर, जैसे कि या तो मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा, और दूसरा फैक्टर है इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, जिसमें दोनों मेल और फीमेल एक दूसरे के क्या होंगे, इनकम्पेटेबल होंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमने क्या कहा कि दो कंडीशंस जो होती है, दो कंडीशंस, टू कंडीशंस, टू कंडीशंस आर जीनेटिकली कंट्रोल्ड। ये दो कंडीशन अभी आपको बताएं, ये दोनों कंडीशन जो है जीनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, किसके द्वारा, फैक्टर के द्वारा, यानी कि कारक के द्वारा। और ये दो कारक कौन से हैं, एक आपका हो सकता है सेक्सुअल फैक्टर और दूसरा होगा इनकम्पेटिबिलिटी, इन कंपेटिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, एक तो होगा सेक्सुअल फैक्टर और दूसरा होगा इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर। अब ये जो सेक्सुअल फैक्टर है, ये देखो सेक्सुअल फैक्टर, ये जो सेक्सुअल फैक्टर है, ये सेक्सुअल फैक्टर सेक्स ऑर्गन और गैमेट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये रेस्पॉन्सिबल है सेक्स ऑर्गन और गैमेट बनाने के। ठीक है, सेक्स ऑर्गन या गैमेट बनाएगा, कौन, सेक्सुअल फैक्टर। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें, अब सेक्सुअल फैक्टर है और सेक्स ऑर्गन ऑर्गन बनाएगा, तो सेक्स ऑर्गन बनाएगा ये, या तो सेक्स ऑर्गन मेल होगा या फिर क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस एक थैलस से निकलकर दूसरे थैलस में जाएगा उसके आधार पर। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करेगा माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्लाज्मोगेमी। ठीक है, कैसे होगा देखो, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है। अब थोड़ा इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पट बना हुआ है इसका, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी ये पट बना, अब हमें पता है कि जहाँ पर ये दोनों सेल मिलेंगी वहाँ पर क्या होगा, आपका हेटेरोथेलिज्म शो होगा, मतलब यहाँ पर जायगोट बनेगा। अब देखो, या तो न्यूक्लियस जो है इसमें से निकलकर इसमें ट्रांसफर हो, या फिर न्यूक्लियस इसमें से निकलकर इसमें ट्रांसफर हो। ठीक है, तो जिससे निकलकर जिसमें जाएगा, जिससे निकलेगा उसको तो हम क्या बोलेंगे, मेल, और जिसमें जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फीमेल। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस चला गया है कहाँ पर, इस वाइट वाले के अंदर। अब ये वाइट वाले के अंदर जाने का तरीका क्या होगा, कि इन दोनों का प्लाज्मा आपस में मिक्स होगा, प्लाज्मा आपस में मिक्स होगा तो ये चला जाएगा यहाँ पर इसके पास। ठीक है, तो ये चला गया, अब यहाँ पर क्या है, फीमेल है, मतलब ये इसको हम फीमेल मानेंगे व्हाइट वाले को, तो ये फीमेल होगा। यहाँ पर जो है मुख्य केंद्र किसका है, इसका, तो यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन ही प्रोड्यूस होगा, मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस ना होगा। ठीक है,
तो इसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि मेलनेस और फीमेलनेस जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है इसका पता लगाया जा सकता है, यानी कि मेलनेस और फीमेलनेस को डिटरमाइन किया जा सकता है बाय द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस माइग्रेशन। ठीक है, कब, जब प्लाज्मोगेमी होती है। तो जैसे ये यहाँ से निकलकर इधर गया, यहाँ से निकलकर, या फिर ये वाइट वाला इधर आ सकता है। ठीक है, क्लियर बात। अब जिससे ये निकलकर गया ना, उसको तो हम क्या बोलेंगे, मेल, मेल या डोनर। ठीक है, क्योंकि इससे निकलकर गया तो इसको बोलेंगे मेल या डोनर, और जिसके अंदर गया उसको क्या बोलेंगे, फीमेल या रिसिपियंट। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फीमेल और रिसिपियंट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये पहला फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स ऑर्गन और या गैमिट, सेक्स ऑर्गन मतलब मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन को प्रोड्यूस करने के लिए और गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए। तो गैमेट भी उसी के प्रोड्यूस होंगे जिसका सेक्स ऑर्गन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी थैलस बन, ये थैलस है वो क्या बनाएगा, यहाँ पर वो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल ही क्या होंगे, आपके स्पोर होंगे। ठीक है, फीमेल थैलस वाले स्पोर होंगे। तो ये इस तरह से डिटरमाइन होता है सेक्सुअल फैक्टर के दौरान। दूसरी चीज जो हमें करनी है वो है इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर, इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर। अब देखो ये जो फैक्टर होता है इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर, ये डिटरमाइन करता है मेटिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसके ऊपर डिटरमाइन करता है, मतलब ये जो इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर है ना, ये डिटरमाइन करता है किसको, मेटिंग कैपेसिटी को, मेटिंग कैपेसिटी। देखो अगर एक ही तरह के होंगे तो मेटिंग ना ही होगी, सेम होंगे तो मेटिंग नहीं होगी, अलग अलग होंगे तो मेटिंग होगी। ठीक है, अब ये मेटिंग कैपेसिटी किसकी, किसके लिए होगी, ये होगी किसमें होगी, इन एब्सेंस या फिर प्रेजेंस, है ना, इन एडिशन टू एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल फैक्टर। ठीक है, सेक्सुअल फैक्टर अगर वहाँ पर काम नहीं करता है तो फिर हम इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं बाय द मेटिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब चूंकि हमने कहा कि जो सेक्स ऑर्गन, सेक्स फैक्टर है, ठीक है, सेक्सुअल फैक्टर जो है आपका, ये सेक्सुअल फैक्टर, ठीक है, सेक्सुअल फैक्टर जो है वो सेक्स ऑर्गन को बनाता है। ठीक है, क्लियर। तो हमने कहा कि जो सेक्सुअल फैक्टर है, ये सेक्सुअल फैक्टर सेक्स ऑर्गन को बनाता है। अब सेक्सुअल फैक्टर है और सेक्स ऑर्गन भी है, तो क्या ये आपस में मेटिंग करेंगे। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ मेटिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ मेटिंग, ये पॉसिबिलिटी ऑफ मेटिंग जो है, इसके बीच में बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल के बीच में, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन या गैमेट के बीच में ये डिटरमाइन करेगी, ये डिटरमाइन करता है कौन, आपका इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर, इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर। ये चीज़ समझ में आई क्या। देखो सेक्सुअल फैक्टर है, चलिए ठीक है, सेक्सुअल फैक्टर होगा तो सेक्स ऑर्गन बन गए। अब यहाँ पर ये समझे अपन कि एक सेक्स ऑर्गन ये बन गया, एक सेक्स ऑर्गन ये बन गया। ठीक है, ये दोनों सेक्स ऑर्गन यहाँ पर तैयार हो गए आपके। ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, ये मान के चल रहे हैं अपन। ठीक है, एक पहली बात तो दोनों सेम थैलस पर बनेंगे नहीं, ठीक
बन भी गए तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाएगा, ये डिटरमाइन किया जाएगा इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर के द्वारा कि इनके अंदर मेटिंग कैपेसिटी है या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पर सेक्सुअल फैक्टर काम नहीं कर रहा तो यहाँ पर दोनों ही तरह के थैलस में से दोनों ही तरह के सेक्स ऑर्गन क्रिएट हो गए। ठीक है, अब ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए सेक्स ऑर्गन भी काम कर रहा है बट ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इनकम्पेटेबिलिटी, ये सेम ही है, सेम ही चीज़ है, तो ये आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होगा, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के बीच में, तभी जायगोट का फॉर्मेशन हो सकता है। डिफरेंट होना चाहिए, या तो वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होना चाहिए या फिर वो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होना चाहिए, जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो सेक्सुअल फैक्टर या सेक्स ऑर्गन, ठीक है, होने पर भी पॉसिबिलिटी जो मेटिंग की है बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन या गैमेट के बीच में, ये डिटरमाइन करते ही उसके द्वारा ये डिटरमाइन होती है इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर के द्वारा। ठीक है, अब देखो अगर एब्सेंट हो, इन एब्सेंस ऑफ सेक्स फैक्टर, सेक्स फैक्टर क्या है, एब्सेंट है, तो यहां पर क्या होगा, नो सेक्स ऑर्गन या फिर गैमेट। अगर सेक्स फैक्टर नहीं है तो सेक्स ऑर्गन या गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, ज़्यादातर ये होता है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन काम करता है, तो यहाँ पर मेन जो काम करेगा वो करेगा इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर, इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर ही क्या करवाएगा, सेक्सुअल फ्यूजन करवाएगा। ठीक है, मतलब मुख्य कारक यही रहेगा यहाँ पर सेक्सुअल फ्यूजन का। भाई सेक्स ऑर्गन तो बने नहीं, सेक्स ऑर्गन नहीं बने तो थैलस आपस में क्या हो जाएंगे, मेटिंग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि तो सेक्स ऑर्गन अगर बनते तो फिर थैलस मेटिंग नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखो ये जो भी कारक हैं, ये दो कारक हैं हमारे पास में, एक सेक्सुअल फैक्टर और दूसरा आपका इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है, इन फैक्टर का सेग्रीगेशन, इन फैक्टर का क्या है, सेग्रीगेशन जो होता है वो मियोसिस के दौरान होता है, यानी कि मियोसिस जो है वही डिटरमाइन करती है सेक्सुअल स्टेटस को। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है इनका सेग्रीगेशन कब होता है, इनका सेग्रीगेशन होता है मियोसिस के दौरान। ठीक है, और मियोसिस डिटरमाइन करती है किसको, सेक्सुअल स्टेटस को, सेक्सुअल स्टेटस। ठीक है, सेक्सुअल स्टेटस को डिटरमाइन कौन करेगा, मियोसिस करेगी। जैसे कि जो सेक्स ऑर्गन है या गैमेट्स है वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, और मेटिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरी चीज मेटिंग बिहेवियर जो है वो होगा कि हेटेरोथेलिक है या होमोथेलिक है। ठीक है ना, दोनों जो थैलस है वो होमोथेलिक है या हेटेरोथेलिक है, ये चीज भी डिटरमाइन करती है कौन, मियोसिस। ठीक, तो यहां पर हमने कहा कि जो फैक्टर है, फैक्टर का सेग्रीगेशन ये होता है मियोसिस के द्वारा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि ये कोई हमारा डीएनए है और इस डीएनए पर यहां पर ये आपका जीन है और दूसरा जीन ये है, ऐसे मान के चलो आप। ठीक है, ये जीन रेस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल फैक्टर के लिए और ये जीन रेस्पॉन्सिबल है इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर के लिए, ऐसे समझ में आ रहा है ना ये चीजें से। ठीक है, तो इनका जो सेग्रीगेशन है वो होगा मियोसिस के दौरान। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में जो एक
डीएनए होगा उससे चार डीएनए बनेंगे, इससे कितने डीएनए बनेंगे, चार डीएनए बनेंगे, एक डीएनए से ही चार, क्योंकि तो चारों अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ये जब मियोसिस होगा तो चार तरह की कंडीशन हमारी बन सकती है, और मुख्य रूप से उसमें चार में से तीन तरह की कंडीशन हमारी बनेगी, क्योंकि दो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दो ही चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। या तो एस जो है इसके अंदर चला जाएगा और आई जो है इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, या फिर ये जो एस और आई है ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, जो इसके पास एस है उसके पास आई, या तो ये सेग्रीगेट हो गए तो, ठीक है ना, सेक्सुअल फैक्टर का सेग्रीगेशन हुआ तो, इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर का सेग्रीगेशन हुआ तो। अब यहाँ पर देखो, एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा, ये दो चीज़ें भी होगी, ठीक है ना भाई, एक एक डीएनए और होगा ना यहाँ पर, इधर थोड़ा सा बनाया नहीं, केवल इसी से नहीं होगा, ऐसा डीएनए होगा ऐसा वाला, ठीक है, ये ऐसा वाला, इसमें ये प्रभावी हो सकता है छोटा और ये छोटा, इस तरह से, तो इसके अंदर आ सकता है आपका छोटा और इसके अंदर आ सकता है आई छोटा, इस तरह से। तो ये चार तरह के गैमेट जो है यहाँ पर बनेंगे, तो इसको बोल रहे हैं हम सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन जो है भाई ये किसके अंदर होता है, मियोसिस के दौरान होता है, और इसको ये डिटरमाइन करता है सेक्सुअल स्टेटस को। दूसरी चीज ये डिटरमाइन करता है क्या, आपका मेटिंग बिहेवियर, मेटिंग बिहेवियर, ठीक है, तो मेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर, ठीक है, सेक्सुअल फैक्टर, इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर, तो ये मेटिंग बिहेवियर को जो है डिटरमाइन करता है। अब मेटिंग बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पर ये डिटरमाइन करेगा कि स्पीसीज जो है वो होमोथेलिक है या हेटेरोथेलिक है, होमोथेलिक या हेटेरोथेलिक है, ठीक है, इस चीज को डिटरमाइन करने का काम करेगा आपका कौन, इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। अब देखो तीन तरह का जो है यहाँ पर सेग्रीगेशन पाया जाता है, कितने टाइप का, जो सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन ये होता है थ्री टाइप का ड्यूरिंग मियोसिस। या तो नंबर एक बात करें हम, सेग्रीगेशन हो, सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सुअल फैक्टर, या तो केवल सेग्रीगेशन किसका हो, सेक्सुअल फैक्टर का हो। दूसरी चीज, सेग्रीगेशन हो केवल किसका, इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर का, इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर का, ठीक है, या फिर तीसरी कंडीशन होती है कि दोनों ही फैक्टर का कोई सेग्रीगेशन ना हो, नो सेग्रीगेशन ऑफ आइदर फैक्टर, किसी भी फैक्टर का सेग्रीगेशन ना हो, तीन तरीके से ये हो सकता है, ठीक है, या तो सेग्रीगेशन होगा किसका, सेक्सुअल फैक्टर का, दूसरी बात सेग्रीगेशन होगा उसका किसका, इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर का, और तीसरा सेग्रीगेशन दोनों का ही ना हो, ठीक है। अब ये जो सेग्रीगेशन है भाई, ये सेग्रीगेशन पैटर्न जो है, ये जो सेग्रीगेशन पैटर्न है इसका पता कैसे चलेगा हमें, तो इसका पता चलेगा हमें, मतलब ये सेग्रीगेशन पैटर्न ये एग्जिबिट होगा, एग्जिबिट बाई थेलस, थेलस से हमें इसका पता चलेगा, ठीक है, और ये थेलस क्या होगा, ये थेलस डेवलप होगा, ये थेलस डेवलप होगा किससे, स्पोर से, और ये जो स्पोर होगा, ये स्पोर होगा, इसके पास क्या होगा, इस स्पोर के पास होगा मियोटिक न्यूक्लियस, क्या होगा इसके पास में, मियोटिक न्यूक्लियस, क्योंकि मियोसिस से बनने वाला न्यूक्लियस इसके पास होगा, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर ये चार तरह के आपके इस तरह की कंडीशन बनती है, ठीक है, तो उस न्यूक्लियस से वो जो थेलस बन रहा है, उस थेलस के पास में कौन सा न्यूक्लियस है इनमें से, उसके ऊपर डिपेंड करे, समझ में आ गई बात। तो ये सेग्रीगेशन पैटर्न का पता हम इस तरह से लगा सकते हैं कि किसका सेग्रीगेशन हुआ है, मतलब पृथक्करण किसका हुआ है, का पता लगाया जा सकता है।
ठीक है। अब ये तीन तरीके के आपके थैलस तैयार होते हैं। अब देखो जो स्पोर बना, स्पोर बना किसका, जैसे मान लीजिए टाइप वन का बना, जिसमें सेग्रीगेशन किसका हो रहा है, सेक्सुअल फैक्टर का, ठीक है। और दूसरा बना जिसमें सेग्रीगेशन हो रहा है इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर का, ठीक है। तो ये दोनों थैलस, ये दोनों टाइप के स्पोर, ये दोनों टाइप के स्पोर अगर ग्रो होते हैं तो ये थैलस बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों टाइप वन और टाइप टू, जैसे मान लेते हैं ये टाइप वन थैलस है, ठीक है, और ये आपका टाइप टू का थैलस है। ये तो समझ में आएगी आपको, है ना। ये थैलस बनाएंगे, ये थैलस जो होगा, ये थैलस आपस में क्या होगा, सेल्फ स्टेराइल होगा, सेल्फ स्टेराइल, ठीक है। मेटिंग हो गई, मेटिंग होने के बाद में दो तरह के थैलस बन गए, तो टाइप वन का जिसमें सेग्रीगेशन किसका हो रहा है, सेक्स फैक्टर का, इसमें सेग्रीगेशन किसका हो रहा है, इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये जो सेल्फ स्टेराइल स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब ये खुद अपना फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि ये हुआ है हेटेरोथेलिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, यह हेटेरोथेलिक, ठीक है। और तीसरे टाइप का जो स्पोर बनेगा, स्पोर नंबर तीन, जिसमें किसी का भी क्या नहीं हुआ है, सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, स्पोर नंबर तीन, ठीक है। ये जो थैलस बनाएगा, इससे भी क्या बनेगा, थैलस बनेगा। और ये जो थैलस होगा, ये थैलस कहलाएगा आपका, ये तो हो गया हेटेरोथेलिक, क्योंकि इसके अंदर तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब इनकी मैटिंग हो जाएगी, सेल्फ स्टाइल नहीं होगा, ठीक है, ये आपस में फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, तो ये कहलाएगा आपका होमोथेलिक, ठीक है, होमोथेलिक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल चीज है। क्या है कि स्पोर जो है हमारा, तीन तरह की कंडीशन हमने बताया आपको दोबारा से, सेग्रीगेशन हो सेक्सुअल फैक्टर का, सेग्रीगेशन हो इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर का, या दोनों का ही ना हो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है सेग्रीगेशन, ठीक है, इसका सेक्सुअल फैक्टर का, इसमें हो रहा है सेग्रीगेशन इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर का, ठीक है, और इसमें नो सेग्रीगेशन, ठीक है, कोई सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो थैलस होगा वो कैसा होगा, होमोथेलिक, ठीक। यहाँ पर जो थैलस है वो कौन सा होगा आपका, सेल्फ स्टेराइल, ये सेल्फ स्टेराइल है, क्योंकि ये देखो ये जो भी बनाएगा ना वो एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, इधर भी एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, वो डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस किसका गया है, ठीक है। अगर मान लो न्यूक्लियस जो है इस थैलस के अंदर फीमेल वाला गया है तो फीमेल गैमेट्स बनाएगा, इधर मेल गैमेट बनाएगा, और इधर गया है, इधर न्यूक्लियस गया है इसका, मतलब जाएगा, जाने वाला क्या है, मेल, जिसके अंदर जा रहा है वो फीमेल, इसका गया है तो ये मेल गैमेट बनाएगा, सीधी सी बात है। तो ये दो, ये जो जितने भी वो थैलस बनेंगे इसके, ये आपस में फ्यूजन नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या होंगे, सेल्फ स्टेराइल, खुद से, खुद की बात है यहाँ पर, सेल्फ स्टेरिलिटी, तो ये क्या कहलाएगा, हेटेरोथेलिक कहलाएगा। और इसमें ये हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों न्यूक्लियस गए नहीं है, वहीं पर है, तो ये होमोथेलिक कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ, ना सेक्सुअल फैक्टर का हुआ है, ना ही इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर का हुआ है, ये बात बिल्कुल एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अपन कि ये जो सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन किसका हो रहा है, दो चीजों का, या तो सेक्सुअल फैक्टर का हो रहा है, या फिर इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर का हो रहा है, ठीक है, या तो सेक्सुअल फैक्टर का हो रहा है, या फिर इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर का हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये दोनों ही कंडीशन में क्या बनता है आपका, हेटेरोथेलिक फंजाई बनती है, ठीक है, हेटेरोथेलिक फंजाई बनती है। तो
इस तरीके से जो सेग्रीगेशन हो रहा है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक नंबर एक जिसमें दो अलील जो है वो हो एक ही लोकस पर, टू एलील एट वन लोकस। समझ में आ गई बात? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेक्सुअल फैक्टर और इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर की वजह से जो हेटरोथेलिक फंजाई बनती है, ये हेटरोथेलिक फंजाई को हम, ये जो बन रही है ये कैसे बन रही है, इसके लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? टू अलील एट वन लोकस, एक ही लोकस पर दो अलील स्थित हो, और दूसरा मल्टीपल अलील स्थित हो, मल्टीपल एलील एट वन और टू लोकाई, एक या दो लोकाई पर मल्टीपल अलील स्थित हो। इसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं कि ये सेक्सुअल सेग्रीगेशन या इनकम्पेटेबिलिटी सेग्रीगेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, समझ में आगे बात? अब हम सबसे पहले बात करेंगे टू एलील्स एट वन लोकस, एक ही लोकस पर दो अलील स्थित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब उसमें किस तरह से कंडीशंस बनते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से मेटिंग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम बात करेंगे इसकी, चलो इसी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने ये सारी चीज़ समझ ली है, तो दो अलील एक सिंगल लोकस पर और मल्टीपल अलील एक या दो लोकस पर। देखो, ये पूरा चैप्टर समझने के लिए आपको पूरे कंप्लीट वीडियो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी, अदरवाइज बीच में से अगर आपने देखा तो नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इसको शुरू से समझने की कोशिश करनी है, और कोई चीज़ अगर आपको डाउटफुल लगती है तो आप दोबारा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना मैसेज बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो क्लियर है कहानी अपनी? दो अलील एट वन लोकस और मल्टीपल अलील एट वन और टू लोकस। ठीक है, अब ये कैसे स्थित होते हैं और ये कैसे काम होता है इसका, ये हम बात करेंगे, और इनकी वजह से कैसे हेटेरोथेलस बनता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जीनेटिक, ठीक है ना, इसकी हेटेरोथेलिज्म की, कि कैसे जीनेटिकली हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं हेटेरोथेलिज्म को। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।